जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट पैराट्रूपर कैप्टन रुचि शर्मा की। कैप्टन रुचि शर्मा भारत की पहली वुमेन कॉम्बैट पैराट्रूपर बनी। सन 1996 में रुचि शर्मा मैम ओटीए चेन्नई से शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत इंडियन आर्मी के ऑर्डिनेंस कोर ज्वाइन करते हैं। एज ए लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद रुचि शर्मा मैम पैराट्रूपर बनने के लिए वॉलंटियर करती है और फाइनली 1997 में वो अपनी फर्स्ट जंप करती है। फर्स्ट जंप के एक्सपीरियंस के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, द फर्स्ट जंप इज लाइक योर फर्स्ट लव। जैसे आप अपने फर्स्ट लव को कभी नहीं भूल सकते, उसी तरह से आप अपने फर्स्ट जंप को भी कभी नहीं भूल पाएंगे। पैराट्रूपर बनने के बाद कैप्टन रुचि शर्मा मैम अपनी एक इंटरव्यू में कहती है कि जब मैं जंप कर रही थी तब मैं अपनी पेरेंट्स का नाम जोर जोर से चिल्ला रही थी और ये भी कह रही थी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब मैंने लैंड किया तब मेरे उस्ताद मुझसे कहता है कि जंप करते वक्त अगर तुम चिल्लाओगी तो दुश्मन तुम्हारी पोजीशन को डिटेक्ट कर लेगा। पैराट्रूपर की ट्रेनिंग 5 जंप्स पूरे कंप्लीट करने के बाद वो पहनते हैं मरून बेरे। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करना इतना आसान नहीं था, इसमें 30 किलो की वजन लेकर के 10 किलोमीटर तक भागना होता है। इसके अलावा भी फिजिकली और मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है पैराट्रूपर बनने के लिए। और इस तरह से कैप्टन शर्मा मरून बेरे पहनते हैं 1999 में। इसके बाद कैप्टन शर्मा को लद्दाख में भी पोस्टिंग दिया गया था। अपने मिलिट्री कैरियर में उन्होंने जनरल ओब्रॉय ट्रॉफी जीता। ये ट्रॉफी उन्हें दिया गया फॉर बेस्ट वुमेन एडवेंचरर के तौर पे। और फाइनली अपने शॉर्ट सर्विस कमीशन को खत्म करते हुए 2003 में वो कैप्टन रैंक से ही रिटायर होती है। 2003 में उस समय रिटायर्ड होने के बाद वो कहती हैं कि अगर फ्यूचर में कभी इंडियन आर्मी में वुमेन के लिए परमानेंट कमीशन आती है तो फिर से मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहूंगी। आज की डेट में कैप्टन रुचि शर्मा मैम एक एडुकेशनिस्ट है, उन्होंने शादी भी की एक आर्मी ऑफिसर से और उन दोनों का एक डॉटर भी है। इस तरह से कैप्टन रुचि शर्मा ने अपना नाम इतिहास में लिख दिया एज द फर्स्ट फीमेल ऑपरेशनल पैराट्रूपर। और जब जब फीमेल की काबिलियत के ऊपर शक किया जाएगा, मेरा विश्वास है कैप्टन रुचि शर्मा जैसे नाम उनको ये विश्वास दिलाएंगी कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, वंदे मातरम।